स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी है किसान भाइयों के लिए जिनका ई केवाईसी नहीं हुआ है। अभी तक जैसा मालूम था सभी को, ये जो ई केवाईसी की लास्ट डेट थी वो 31 मार्च तक की थी। अभी इसको बढ़ा के जो लास्ट डेट कर दी गई है वो है आपकी 22 मई। आप देख सकते हैं पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे और मेंशन है डेडलाइन ऑफ ई केवाईसी फॉर ऑल द पीएम किसान बेनिफिशियरी हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 22 मई 2022। यानी अब आप आसानी से अपना किसान ई केवाईसी आप 22 मई तक कर सकते हैं। इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी केवाईसी से रिलेटेड। कभी ये वेबसाइट ही बंद हो चुकी थी, एक बार तो ऐसा भी हुआ। एंड केवाईसी का जो ऑप्शन आ रहा था ये भी नहीं आ रहा था। कई सारे ऑप्शन से देखो, सीएससी के थ्रू आपका ई केवाईसी तो हो जा रहा है, बट अगर आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको सीएससी भी जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद के थ्रू आप यहाँ से कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा आपका ई केवाईसी। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको नियर बाई आपका जो सीएससी सेंटर है जन सुविधा केंद्र, वहां पे जाके आप ई केवाईसी करा सकते हैं। अभी जैसा टाइम देख पा रहे हैं 22 मई तक का टाइम दिया गया है। इन केस आप नहीं जाना चाहते तो एक मैंडेटरी है आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना। अगर आप लिंक करा लेते हैं उसके बाद आप खुद के थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ऑप्शंस हैं, जैसा आपकी सुविधा लगती है उसके अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, इस वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे क्लिक करके आसानी से आप अपना रजिस्टर, जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर मोबाइल नंबर वो डाल के और आप अपना आधार नंबर डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद में आपका एक ओटीपी आता है आपके रजिस्टर नंबर पे, वो ओटीपी एंटर करके आप आसानी से केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी है, यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद में एक ऑप्शन रहता है ई केवाईसी का, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बट उसमें भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में लिंक होना अनिवार्य है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उसके थ्रू भी केवाईसी नहीं कर पाएंगे, तो सर्विस सेंटर पे ही जाना होगा। सो बेटर है कि अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराएं, फ्यूचर में भी काम आएगा। कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मोबाइल का लिंक होना आधार कार्ड के साथ बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।